मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, जी हाँ, सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बात से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में हैरानी हैरत अंगेज माहौल नजर आ रहा है। इसी के साथ उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय हो गया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी। अब सूत्रों से पता चला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर किसी राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। जी हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अमरिंदर सिंह को दी जाएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूँ। अमरिंदर सिंह ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हमारी सेना को मजबूत नहीं किया गया। जब ए के एंटनी रक्षा मंत्री थे तो रक्षा सौदे नहीं हुए। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब भारत का सीमावर्ती राज्य है, उसको लेकर अपनी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान से सीमा सटी हुई है, उसको लेकर अपनी चुनौतियां हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लगातार चर्चा कर रहा था और हाल ही में तो ड्रोन का खतरा भी बढ़ा है। इसके साथ ही पंजाब में ड्रग्स का जाल भी लगातार फैलता ही जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कैप्टन साहब ने हमेशा राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा है। मुझे लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी के परिवार में उनका और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तक ऐसी पार्टी है जिसमें हमेशा गर्व से कहा जाता रहा है कि सबसे पहले राष्ट्र और दूसरे नंबर पे पार्टी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिद्धांत को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा अपने जीवन में अपनाया, इसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग साथ साथ हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में आना इसके मायने है कि पंजाब में शांति और सुरक्षा के पक्षधार हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी और पंजाब में विकास के लिए ऐतिहासिक कदम भी होगा। इसके आगे आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करीब 9 सालों तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। पिछले साल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई पार्टी PLC बनाई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने बीजेपी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ा। हालांकि चुनावों में गठबंधन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। खुद अमरिंदर सिंह अपनी यहां पर सीट भी नहीं बचा पाए थे। इस तरीके के माहौल उस समय पर बनते नजर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब अमरिंदर सिंह का आना और उनके साथ कार्यकर्ताओं का आना काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को चौंकाने वाला लग रहा है। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।